Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Deepen Gugai. In this video, आज हम बात करेंगे बैंक क्रूड ऑयल का ऊपर देखेंगे हम कहां अब एंट्री कर सकते हैं कहां एग्जिट कर पाएंगे देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल मार्केट कंटीन्यूअस हायर लो बना के ऊपर जा रहा है जैसे हायर लो तो हायर हाई तो मुझे लगता है ये नीचे आने के लिए जैसे पहले मूविंग एवरेज 50 से बाउंस हुआ था फिर से मार्केट नीचे आके 50 से बाउंस होने का चांसेस है राइट तो अगर अपने एंटी करना चाहता है तो 50 मूविंग एवरेज के आसपास एंटी करके आप थोड़ा नीचे ऐसा लगा के मार्केट और टारगेट 3900 के आसपास आप टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस में अगर हम इसको देखें तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का कंफर्म किया हुआ है तो देख सकते हैं ये डेली में डेली जैसे मुझे लगता है जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था यहां पे तो ये कैंडलस्टिक जो पैटर्न फॉर्म हुआ था तो मुझे लगता है यहां से कंफर्म किया है लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाने वाला है अराउंड 4100 का आसपास और फिर भी थोड़ा बहुत यहां से रिट्रेसमेंट कर सकता है तो उसका बाद मार्केट ऊपर जा सकता है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे बाय रिस्क लेना मैं ज्यादा से ज्यादा बाय रिस्क लेंगे यहां पे तो बाय रिस्क यहां पे लेंगे जहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर पाएंगे जिसे करेंगे जिसे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज यहां से 50 पहले 50 से बाउंस हुआ था तो मुझे लगता है यहां से भी फिर से बाउंस हो सकता है मूविंग एवरेज राइट तो यहां पे मैंने एंट्री करेंगे और टारगेट यहां पे रखेंगे और एसएल इसका थोड़ा नीचे रखेंगे राइट और नहीं तो मार्केट फिर से ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास से फिर से रिट्रेसमेंट हो सकता है सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग